गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो विभिन्न विभागों के कार्य, हर संगठन अलग अलग विभाग से बना होता है और प्रत्येक विभाग व्यवसाय चलाने में योगदान देता है। सबसे आम विभाग हैं उत्पादन, विपणन, बिक्री, वित्त, मानव संसाधन और कुछ अन्य मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रोडक्शन विभाग। तो इसमें पहला है प्रोडक्शन विभाग। उत्पादन विभाग उत्पादन प्रक्रियाओं के चरणों के माध्यम से इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। उत्पादन प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि कच्चे माल को प्रभावी ढंग से तैयार माल में उपलब्ध कराया और बनाया गया है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और कार्य को अधिक कुशल और सुखद बनाने के लिए प्रक्रियाओं का परिवेक्षण करना चाहिए। 5 उत्पादन उपकार्य हैं। उत्पादन और योजना। उत्पादन और योजना वे उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में मानक और लक्ष्य निर्धारित करेंगे। उत्पादन लाइन से आने वाले उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता की बारीकी से निगरानी की जाएगी। क्रय विभाग यह विभाग आवश्यक सामग्री, घटक और उपकरण प्रदान करेगा। इस जिम्मेदारी का एक अनिवार्य हिस्सा यह सुनिश्चित करता है कि स्टॉक समय पर पहुँचे और अच्छी गुणवत्ता के हों। भंडार विभाग स्टोर विभाग भी निर्माण प्रक्रिया की सेवा के लिए आवश्यक सभी आवश्यक उपकरण, कच्चे माल और उपकरणों को स्टॉक करने के लिए जिम्मेदार है। डिजाइन और तकनीकी सहायता विभाग भी अंतिम उत्पाद के माध्यम से प्रोटोटाइप के विकास के साथ नई उत्पाद प्रक्रियाओं और उत्पाद प्रकारों के डिजाइन और परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। कार्य विभाग यह विभाग उत्पादों के निर्माण से संबंधित है। इसमें उत्पादन लाइन का रखरखाव और अन्य आवश्यक मरम्मत शामिल होंगे। कार्य विभाग के पास गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण की जिम्मेदारी भी हो सकती है। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास की भूमिका में एक संगठन में कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और कर्मचारियों की बर्खास्तगी के लिए भर्ती और चयन प्रशिक्षण कार्यक्रम HRD द्वारा कर्मचारियों के कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते, साथ ही उन्हें प्रेरित करने के लिए। प्रशिक्षण के 3 मुख्य प्रकार हैं। आरंभिक प्रशिक्षण, नौकरी के प्रशिक्षण पर ऑफ द जॉब प्रशिक्षण पर जनशक्ति नियोजन। मानव संसाधन विकास को भविष्य में व्यवसाय द्वारा उपस्थित कार्यबल की संख्या और कौशल को आगे बढ़ाने और स्थापित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से विफलता अनुचित आवश्यकताओं के साथ बहुत कम या बहुत अधिक कर्मचारियों को जन्म दे सकती है। बर्खास्तगी और अतिरिक्त त्याग। डिसमिसल इज वेयर ए वर्कर इज टोल्ड टू लीव देयर जॉब ड्यू टू अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क और बिहेवियर। जो अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क करेंगे या उनका बिहेवियर अनसेटिस्फाई होगा तो उसको छोड़नी पड़ेगी जॉब, उसको डिसमिसल कहते हैं। रिडेंसी इज वैन द बिजनेस नीड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय आइदर बिकॉज इट इज क्लोजिंग डाउन ए ब्रांच ऑफ नीड्स टू रिड्यूस कॉस्ट ड्यू टू फेलिंग प्रॉफिट। जब प्रॉफिट कम हो जाता है तो कंपनी जो है अपनी ब्रांच को बंद करने के लिए एम्प्लॉय को हटाती भी है। इट मे आल्सो बी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट एंड द वर्कर आर नो लॉन्गर नीडेड। मार्केटिंग डिपार्टमेंट दीज आर द मेन सेक्शन ऑफ मार्केट डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट रीजन। रिसर्च डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केट रिसर्च एंड टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट टू मेक श्योर दे आर सुटेबल टू बी सोल्ड। प्रमोशन डिपार्टमेंट डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ प्रमोशन मेथड फॉर प्रोडक्ट अरेंज एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग मीडिया यूज। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट टू द मार्केट। नेक्स्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसमें है बुक कीपिंग प्रोसीजर, कीपिंग रिकॉर्ड टू परचेज एंड सेल्स मेड बाय बिजनेस एज वेल एज कैपिटल स्पेंडिंग, प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। मैनेजर रिक्वायर ऑनगोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इनेबल देम टू मेक बेटर डिसीजन। मैनेजमेंट ऑफ वेज। द वेज सेक्शन ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग द वेज एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस फॉर इनलैंड रेवेन्यू। राइजिंग फाइनेंस। द फाइनेंस डिपार्टमेंट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल डिटेल हाउ टू बिजनेस राइज द फाइनेंस थ्रू लोन एंड द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस। इन एडिशन इट विल सुपरवाइज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर।
जो इसमें कंपनी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा उसको वो यह देखता है कि पैसे कहाँ से आने हैं, किस तरीके से लोन लेना है और उसका पेमेंट कैसे करना है, और उसके बाद जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड भी देना है, डिविडेंड मतलब लाभांश। और इस तरीके से ये आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है और आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।